रिकॉर्डिंग शुरू है, ठीक है जी सर। तो जवाब देने एकदम से नया अनुभव है ये मेरे लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बस ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए रिकॉर्ड किया था। मैं एक बार एंड कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ कि कैसा है, फिर शुरू करते हैं हम, ठीक है। एक बार आप दोबारा ज्वाइन करना है। इसी पे कहानी सुनाती हूँ। होली आने वाली है और होली 20 या 24 मार्च को है ना, समथिंग। नहीं, वो मुझे याद है, गब्बर सिंह का डायलॉग हमेशा याद आ जाता है जब भी हम बोलते हैं कब है होली। तो मेरी आदत है, कोई भी कुछ बोलता है अच्छा होली आने वाली है, तो मेरे मुंह से पहले ही निकलता है कि कब है होली। तो ठीक है, थोड़ा सा पीजे टाइप है, लेकिन ठीक है। आप अपनी कविता पे चलिए। प्रीति के घर के बाहर चोरों की तरह निगरानी रखकर प्रीति को आवाज लगा रहा था। सॉरी, फिर से वापस स्टार्ट करते हैं। देख नहीं रहा है, मालपुआ छना रहा है, जा बुढ़ो। ये था कहानी, छोटा। लास्ट में जो जा बढ़ो था, ये था या अभी आपने ऐड किया है? ये मालपुआ छना रहा है, नहीं, जा बढ़ो नहीं था, पर ये ऐड करूंगी। बीच के 5 मिनट का ब्रेक है ना जी। इस खुद को कछुआ बोलने वाला खरगोश जो यहाँ वो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के बीच में जाके 5 मिनट में अपलोड भी करके आ गया और खुद को कछुआ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सही है। कब कहाँ क्या हो जाए हम कह नहीं सकते। जो करना है कर लो, एक ही जिंदगी है आपकी। एक और पॉडकास्ट मेरे दिमाग में है जिसमें ना ये हम ओशो वाले टॉपिक रखेंगे, जीवन के बारे में आपसे सुनेंगे। वो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। ओशो को गए हुए भी बहुत टाइम हो गया ना। गारिता और व्यंग, ये कुछ श्रेणियां हैं, वो भ्रम में ना डालें ना आप रहें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे आप समझ नहीं पाएंगे लोगों को। तो बढ़ें, चैनल शब्दवेनी को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। साथ ही आपके भी चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि मैं भी आई हूँ। क्या बात है। हाँ, प्रमोशन बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में।